कृषि एक गन्ने के बागों से घिरा आश्रम। यह आश्रम शहर से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ कोई पड़ोसी नहीं है। अगर हम सगत जाए तो अपनी दोस्तों से मिल सकें। यह भी नहीं, वहाँ के सिनेमा घर में फिल्में भी देख सके। कुछ समय के बाद मणिलाल गांधी बच्चों के पास आकर अरुण से कहते हैं, बेटा मुझे कार में आज शहर लेना जाना चाहिए, वहाँ पूरे दिन की एक मीटिंग है। हाँ पापा, आप तैयार कीजिए। पापा हम भी आती है। नहीं नहीं, तुम अपनी माता जी के साथ रहो। तब माता जी आती है, सामान लेने की एक लंबी लिस्ट जमा देती है और कहती है, बेटा अरुण यह लिस्ट देखकर सभी चीजें भी खरीदनी चाहिए। ठीक है मैम। कार की सर्विसिंग नहीं भूलनी चाहिए। हाँ पापा। अरुण और मणिलाल कार में जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुंचते हैं। पिताजी कार से बाहर निकलते हैं और अरुण से कहते हैं, अरुण कहे गए बातों को पूरा करने के बाद ठीक 5 बजे यहाँ आना। हाँ पापा। पापा ऑफिस की ओर जाते हैं। अरुण खुशी से कार में बैठकर स्वयं कहता है, शाम को 5 बजे तक समय है, जल्दी ही कहे गए कामों को पूरा करने के बाद जॉन बेन की फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में जाना चाहिए। अरुण गांधी सब कामों को फटाफट निपटाने के बाद सिनेमा घर में दूसरा फिल्म देखते हैं। फिल्म देखते देखते 5:30 बजे हो गए। वह खड़ी देखता है, आश्चर्य से कहता है, हे ईश्वर, 5:30 बजे, पापा जी से क्या कहूँ? शाम को 5 बजे आने के लिए उन्होंने कहा था, सच बोले तो पापा जी मुझे मारे, इसलिए झूठ बोलना चाहिए। दृश्य 2। यह सोचकर अरुण चटपट गैरेज पहुँचा और कार लेकर पिताजी के पास पहुँचता है। तब 6 बजे चुके थे। पिताजी बेसब्र से वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर पिताजी पूछते हैं, तुम लेट क्यों हुए? अब 6 बजे। पापा जी कार तैयार करने में देरी हो गई। क्या? मुझसे गैरेज वालों ने कहा था कि 2 बार के बाहर एक कार की सर्विसिंग पूर्ति हो गई थी। पापा जी माफ कीजिए। तू मुझसे क्यों झूठ बोला? पापा जी मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तुझको पालने में मुझसे भारी चूक हुई है, मैंने तुझको सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया, वह मेरी चूक है। पापा जी क्षमा कीजिए। अब मैं हर तरह की अरारत मील दूर पैदल चलकर ही तय करूंगा। पापा जी कार में जाए, कृपया कार में बैठिए पापा जी। बेटा तुम्हारे लिए यह मेरा प्रायश्चित है, तुम घर जाओ। यह कहकर मणिलाल ने चलना शुरू किया। सड़क सुनसान थी और
रोशनी फी नहीं दी। अरुण पिताजी के पीछे पीछे धीमी गति से कार चलता रहा। अरुण कार में बैठकर स्वयं कहा, हो ईश्वर मेरे झूठ पर पिता का प्रायश्चित। सवेरे 5:30 बजे वे घर आए। माताजी उनकी प्रतीक्षा में वहां गड़े दी। उन्हें देखकर माताजी बोलती है, मैं क्या देख रही है, पिताजी पैदल आते हैं और पुत्र कार में माता है। क्या हुआ बेटा? माँ पापा जी से मैंने एक झूठ बोला, मुझे दंड देने के बदले पिताजी घर तक 18 माइल की दूरी पैदल चले। बेटा तुम क्यों पापा जी से ऐसे झूठ बोला? क्या अन्य पालकों की तरह तुझे पाले? उत्तर दो। नहीं माम, अन्य माता पिताओं की तरह सजा भी होती तो मैंने कोई सबक नहीं सीखा होता। सच रहने के बाद भी झूठ बोलने की आदत नहीं बदलती होती। इसलिए अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। यह सुनकर पापा जी उसे आलिंगन करते हैं। बहने मादाजी सब मुस्कुराते हैं। तब अरुण कहते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे अहिंसा का पाठ पढ़ाया, यही अहिंसा की शक्ति है।